हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारी कॉम्पिटिटिव अकेडमी में, क्लास में। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्लास टेंथ का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हो सकेगा तो आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबा नहीं जाना चाहिए, चाहे छोटा वीडियो रहेगा तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप तो आप देखिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए और उसमें अच्छे से दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अवाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो आप इसे आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। दोस्तों पहले आपका हम पहला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो क्या कहा है इसमें, 12 पहला क्वेश्चन आपका है, 12, 15 और ये कह रहा है इन तीनों का आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, अब वो भी आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आप 12 का फैक्टर कर लीजिए, 12 का आप फैक्टर करेंगे तो कितना बचेगा, 2, 6, 2, 3, 3। जैसा कि हमने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि आपको पहचान कैसे करनी है कि ये संख्या कितने कटेगी, ठीक है। तो इसके लास्ट में 2 था तो हमने जान लिया था ये 2 से कटेगी, क्यों ऐसा नहीं है 2 था इसलिए 2 से कटेगी, ऐसा हमने कहा ये 2 था, यानी इसके 2 से जब कोई संख्या कटती है तो उसके लास्ट में क्या क्या होना चाहिए वो हमने आपको बताया था, 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये अगर संख्या मिल जाती है तो आप उसे 2 से काट सकते हैं। तो देखिए पहले 2 था इसलिए मैंने 2 से काटा तो 6 आ गया, फिर मैंने ये 6 देखा तो 6 इसी में आ रहा था तो फिर मैंने इसे 2 से काट दिया, ठीक है। फिर ये 3 तो 3 से कभी आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम 15 का फैक्टर करते हैं और 15 का देखते हैं, देखिए लास्ट में कितना है, 5 है। एक तो हमने आपको बताया था कि अगर लास्ट में किसी संख्या के 5 या 0 आता है तो वो 5 से कट जाएगी, और आपको 3 से कटने के लिए हमने बताया कि जब कोई संख्या 3 से कटती है तो संख्या के अंकों का योग, यानी 1+5=2 ना हो 6 में हम कितने का और लगा दें जिनका 3 ये कंप्लीट से काट देगा, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो पहले हम छोटी वाली संख्या से काट करें, पहले हम 3 से काटा से समझा, फिर हमने 5 से काट दिया, ये बढ़िया कैसे 21 को हमने काटा, ठीक है। 21 को 3 से कट जाएगा तो 2 और 1 3 होता है 3 सकते, ठीक है। फिर ये 7 से कट जाएगा, तो इस तरह से इनके मैंने फैक्टर कर लिए। अब इन्हें कैसे लिखना है वो देखिए, तो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसको लिखने के लिए क्या है आपको यहाँ पे जैसे 12 लिखा, 12 का फैक्टर कितना करना बन गया, 2 × 2 × 3, ठीक है। उसके बाद हमने 15 लिखा, 15 का फैक्टर कितना बन गया, 3 × 5, ठीक है। और 21 का फैक्टर कितना बन गया, कितना कितने बार कटा, 3 × 3। अब इसमें आपको एचसीएम और एलसीएम निकालना है, ठीक है, इनमें निकालना। तो देखिए जो राजीवाजी से कॉमन आया था सबने से वो तो होता है एचसीएम, ठीक है। राजीवाजी से कॉमन क्या आ रहा है इन तीनों में, नीचे 3 आ रहा है, 3 तो यानी जो इसका एचसीएम होगा वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएम आपका 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, जैसे एलसीएम हमने एलसीएम डालना, तो जो कॉमन आ गया वो अच्छी बात है, उससे मिले 3 कॉमन आ गया था, उसके बाद जो कॉमन नहीं आया उससे खींच लाओ, पकड़ लो खींच लो, अब खींच के यहाँ भेजो, यानी कौन नहीं आया, 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, पहले 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, फिर दूसरे से 5 नहीं आया, जो 5 भी ले लिया हमने, ठीक है। फिर तीसरे से 7 नहीं आया, उसने 7 भी ले लिया, अब इनका हमें मल्टीपल करना है, वो तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इनका हम मल्टीपल कर दे रहे हैं, इनसे निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनको मल्टीपल देंगे,
और अगर इसके अंदर लिखना चाहें एलसीएम बराबर मल्टीपल का क्या हुआ दूसरी या छह, पहले ऐसे करिए दो दूनी चार पंजे बीस और बीस सत्ते 140, 140 किया 14 किया तो अगर पता चलता है ब्याज 720 आ गया आपका, 720 को हुआ है ठीक है। क्या अगर आप सीधा करें दो किया छः पंजे तीस और तीन सत्ते 21 210 और एक सौ गुणी 400 ठीक है। तो इस तरह से आपका आने आंसर आ गया, इसी तरह से हम करना है दूसरा ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा ये है पहली बार दूसरे में क्या करना है इसके सत्र करने हैं पहले हमें दूसरे वाले पे, तो 17 23 29 सत्रह पहले हमने लिया इसको हमने सत्रह करने की सोची, तो देखो 17 किससे कटेगा लास्ट में कितना है 7 है, 2 से नहीं कटेगा 3 से 7 और 1 8 नहीं कटेगा 3 से 8 नहीं कटेगा 4 से हमें पाला दोनों लास्ट के इसमें जाना चाहिए 4 से 8 तो 4 तो 16 नहीं जाएगा ठीक है। 5 से कटेगा नहीं 0.5 नहीं है कैसे भी कटेगा ताकि पारे में आते नहीं है ठीक है। 7 के में भी नहीं आता 8 के में भी नहीं आता 8 16 होता 9 के में भी नहीं आता 10 के में 11 के में 12 के में 13 के में नहीं, तो ये किससे कटेगा 17 से कटेगा क्योंकि ये आवाज संख्या और आवाज संख्या उनकी 17 से कटती है बस सबसे ये सर सॉरी आवाज संख्या स्वयं से करती है 23 भी एक आवाज संख्या है तो ये 23 से ही कटेगी 29 भी आवाज संख्या है तो ये 29 से ही कटेगी ठीक है। तो ऑल ओवर हमारा रिजल्ट क्या आया ऑल ओवर हमारा रिजल्ट आया 17 बराबर होगा हमने 17 और 23 बराबर 23 बार बेटा और 29 बराबर 29 ठीक है। अब इसमें निकालो एच सी एफ ठीक है एच सी एफ तो इसमें स्तंभ कोमन क्या मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा कोमन बताइए एच सी एफ क्या होगा तो कुछ नहीं मिलता तो इससे मिलता ही अगर इन स्तंभ में एक एक का होगा तो मेरे को क्या है घर पड़ जाएगा ठीक है। एक को मिल रहा कोमन तो एच सी एफ हो गया एल सी एम क्या होगा एल सी एम फिर सबको उठा लो भाई एक भी नहीं आया था और ठीक है। अब मैंने कहा मल्टीपल कर लोगे आप अभी करा दे ठीक है तुम तीनों का मल्टीपल कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा ये आपका एलसीएम हो जाएगा ठीक है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ठीक आठ नौ पच्चीस दो चार दो दिया नौ का सत्र दिया पच्चीस का सत्र दिया ये पांच से लगेगा पांच 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 अब देखिए इसमें हमें लिखना है तो कितना कैसे है आठ बराबर टू इंटू टू इंटू थ्री नौ बराबर थ्री इंटू थ्री और पच्चीस बराबर पांच इंटू पांच ठीक है। अब इसमें समय कोई कौन मिल रहा है कोई एस टी होगा अगर कुछ नहीं मिल रहा तो एक मिल रहा है ठीक है तो एस टी एफ हो गया एस टी एफ एक हो गया इनका और एल सी एम कैसे निकलेगा तो एल सी एम के लिए क्या करना है आपको एल सी एम बराबर इन सबका मल्टीपल तो टू तो कोई कॉमन नहीं आया थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू ठीक है दो दूनी चार दूनी आठ आठ के चौबीस चौबीस किया बहत्तर और बहत्तर में पच्चीस का मल्टीपल करना है। तो जैसा कि हमने अपने कैलकुलेशन के पार्ट में हमने कैलकुलेशन कराई थी ठीक है तो उसके बारे में वीडियो भी पड़ी हुई है और नहीं तो फिर करा देंगे तो उसमें हमने बताया था कि आपको 25 का मल्टीपल कैसे करना होता है ठीक है। तो जब भी आप 25 का मल्टीपल करते हैं तो संख्या दी होती है उसमें दो जीरो बढ़ाइए और चार का भाग दीजिए ठीक है जो क्या आएगा हमारा आंसर सात से काट दो चार एकम चार बचा तीन
और 32 हो गया चाहे उसको 32 दो हो गया 1800 आंसर हो जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीन एक्सरसाइज नंबर 1.2 का हमने आज डिस्कस किया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, एक क्वेश्चन एक वीडियो में, अगर छोटा क्वेश्चन है तो हम दो क्वेश्चन भी डिस्कस करा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने छोटे भाई बहनों को जो कि गाँव में रहते हैं स्पेशली जो कि कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं पढ़ पाते, तो उनके आपको ये भेजना है, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, वो वीडियो देखें अपने, जब भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, उससे आप उनको बहुत आसानी हो जाएगी। तो मेरा एक ये प्रयास है कि उन लोगों को भी जानकारी हो इसके बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि हम भी गाँव से ही करते हैं लोगों पर, हम बाहर रहते हैं तो हमारा क्या हुआ, जब हम भी हाईस्कूल में पढ़ते थे तो कोई इतने अच्छे टीचर गांव में नहीं थे तब उस समय, तो तब हम कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चन टीचर ही नहीं होता पाते थे, तो बताइए बच्चा कौन होता है। तो इसलिए हमारा एक प्रयास है कि हम तो एक प्रयास करना चाहते हैं कि आपकी भाई बहनों की जो हमारे गाँव में रहते हैं उनकी सहायता हो पाए। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को जो हाईस्कूल में पढ़ते हैं उनको शेयर कर दें। ठीक है, या आप खुद हाईस्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप दूसरों को शेयर कर दें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप उनको कॉल दीजिए, और आपका जब भी एग्जाम होगा तो आपको सिक्योरिटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर कोई आपको कहीं से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में आपको जरूर बताना है। ठीक है, चलिए तो अब आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।